सुप्रीम कोर्ट के शूटआउट मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है। इस केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें, गैंगस्टर गोगी को मारने के पीछे टिल्लू ताजपुरिया का हाथ है, ये बात सामने निकल कर आ रही है। ऐसे में पुलिस टिल्लू को रिमांड पर लेने का प्लान भी बना रही है। रिमांड पर लेने के बाद ही पता चलेगा कि टिल्लू की गोगी के मर्डर में कितनी भूमिका थी, लेकिन अभी तक जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं उसमें टिल्लू ताजपुरिया का ही नाम उभर के आ रहा है। आपको बता दें, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि गोगी के मर्डर की पूरी प्लानिंग हुई थी और ये प्लानिंग जेल में बैठकर ही टिल्लू ताजपुरिया द्वारा की गई थी। गोगी को कब मारना है, कैसे मारना है, किस वक्त मारना है, ये सब प्री प्लान था और इन सब के पीछे टिल्लू ताजपुरिया का ही हाथ बताया जा रहा है। जांच के दौरान पुलिस को एक फोटो भी मिली है जिसमें टिल्लू वीडियो कॉल पर उस शूटर के साथ बात कर रहा है जो इस शूटर में पुलिस की गोली से मारा गया था। इस पूरे शूटआउट के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है। एक गैंगस्टर आसानी से तिहाड़ में बैठकर ना सिर्फ एक बहुत बड़े प्लान को अंजाम देता है बल्कि जेल में बैठ के उसने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम भी दे दिया। ऐसा नहीं है कि तिहाड़ से कोई पहला मामला ऐसे सामने आया है जिसमें गैंगस्टर फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले भी कई मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन जेल प्रशासन इस पर लगाम लगाने में क्यों नाकाम है ये कोई नहीं जानता।